सो दस दे कि अज फैसले का दिन है क्योंकि गुजरात अते हिमाचल प्रदेश विधानसभा चोणां दे नतीजे अज एलाने जाणे ने जिस नूं लैके वोटां दी गिनती दा काम सवेरे 8 बजे तों शुरू हो चुका है। दोहां ही सूबिआं विच वोटां दी गिनती चल रही है। दस दे कि गुजरात 182 ते हिमाचल दीआं 68 सीटां ते गिनती चल रही है। सब तों पहलां पोस्टल बैलेट वोट जिहड़ियां ने पेपरां दी गिनती होवेगी। उते गुजरात विच वोटां दी गिनती लई दोहां सूबिआं विच जो है वोटां दी गिनती जारी है। 37 काउंटिंग सेंटर गुजरात विच बनाए गए ने। शुरुआती रुझान आने सामने शुरू हो गए ने। गुजरात विच बीजेपी 128 सीटां ते अगे चल रही है। गुजरात की गल कर रहे हैं, बीजेपी 128 सीटां ते अगे चल रही है। 182 कुल सीटां ने इत्थे ते कांग्रेस 43 सीटां ते अगे चल रही है। आम आदमी पार्टी 3 सीटां ते अगे चल रही है। हिमाचल प्रदेश दे भी शुरुआती रुझान जो है सामने आ चुके ने। हिमाचल प्रदेश की जेकर गल की जाए तो बीजेपी और कांग्रेस विचाले फसवीं टक्कर चल रही है। इतने 1985 तो लेके ये चल रहा है। एक बार कांग्रेस आती है, एक बार बीजेपी आती है। इतने बीजेपी 27 सीटों से अगे चल रही है, कांग्रेस 29 से अगे चल रही है। फसवीं टक्कर इतने बीजेपी और कांग्रेस की नजर आ रही है। बिल्कुल, और इसी तरह के क्यास लगाए जा रहे सन। खास तौर पर हिमाचल विधानसभा चुनाव की जो गल करिए, इतने फसवां मुकाबला भाजपा और कांग्रेस विचाले वेखण नूं मिलेगा और उही तस्वीर फिलहाल बनती नजर आ रही है। हालांकि यह सिर्फ शुरुआती रुझान ने, यह रुझान किस तरह के नाल अगे वधदे हुए जो नतीजे आएंगे किस दे हक में जाते हैं यह देखना अहम रहेगा। लेकिन इतने जो गुजरात की गल की जाए तो भाजपा बेहद अगे नजर आ रही है। भाजपा का गढ़ है, लगातार भाजपा इतों जितती आई है। हालांकि आम आदमी पार्टी वालों इतने लगातार चोन प्रचार बड़ा तिखा किया गया, भावें दिल्ली के मुख्यमंत्री हो या पंजाब के मुख्यमंत्री गुजरात दौरे पर रहे, लगातार उत्थे उन्होंने वालों चोन प्रचार किया गया। लेकिन इस वेले की यह तस्वीर जो शुरुआती नजर आ रही है, 8 बजे जो वोटों की गिनती का काम शुरू होया, तो इस वेले हिमाचल की जो तस्वीर है इतने खासा दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा। भाजपा 33 सीटों से अगे चल रही है, कांग्रेस भी 33 सीटों से बराबर चल रही है। सो यह शुरुआती रुझान जिस विच इस वेले फसवां जड़ा है मुकाबला वेखण नूं मिल रहा है। 44 भाजपा, कांग्रेस 21 सीटों से अगे चल रही है। तो होरना 2017 का ये डाटा असं तुहानूं विखा रहे हैं। भाजपा 44 सीटा मिली सन, कांग्रेस 21 सीटा मिली सन, होरना दे जो है खाता भी नहीं खुलिया। कुल सीटा 68 सीटा ने। तो हिमाचल विधानसभा के नतीजे जो 2017 रहे उत गुजरात विधानसभा के नतीजे 2017 182 कुल सीटा ने। भाजपा 99 सीटा मिली सन, कांग्रेस 77 सीटा मिली सन, होरना दे खाते 6 सीटा गई सन। बिल्कुल, लेकिन इस बार गुजरात क्या कांग्रेस एक आंकड़ा फिर तो पार कर पाएगी, इस तो ऊपर जाएगी या हेठा ही रह जाएगी, देखना अहम रहेगा। हालांकि कांग्रेस लगातार जड़ा है जद्दोजहद करती हुई देश भर में वक् वक् थावां ते, जिस तरह बीते दिन एमसीडी के चोणों के नतीजे आए, कांग्रेस का हाल खासा माड़ा विखाई दिता। लेकिन हुण गुजरात विधानसभा चोणां इसलिए ज़्यादा दिलचस्प क्योंकि आम आदमी पार्टी वालों एंट्री की गई है और खासा तिखा चोन प्रचार किया गया। वड्डे दावे जड़े ने वो जरूर किए गए हैं। बीते दिन पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने दावा किया कि कल जो गुजरात के चोन नतीजे आने उस हैरानकुन नतीजे आने। लेकिन फिलहाल दो शुरुआती रुझान ने उस भाजपा बेहद अगे जाती हुई विखाई दे रही है। कितना ना कि चिंता जी है होरना खेमिया के जरूर बधा रही है। लेकिन यह पिछले 2017 के विधानसभा चोणों के नतीजे तुम्हें की तस्वीर असं विखा रहे हैं किस तरह के नाल गुजरात में भाजपा ने 99, कांग्रेस ने 70 सीटा हासिल की सन। साडे नाल रविंदर मीत शिमला रिज तो इस वेले जुड़ चुके हैं, उन्होंने अपडेट लैने। रविंदर, जिस नाल क्या सन के हिमाचल दीआं जिहड़ियां विधानसभा चोण दे नतीजे होणगे, फसवां मुकाबला वेखण नूं मिलेगा भाजपा ते कांग्रेस दा, शुरुआती रुझान कुछ अजिही ही तस्वीर दिखा रहे ने? बिल्कुल, देखो पहला ही जो एग्जिट पोल आए थे उस पोल दे विच साफ तौर पर यह दिख रहा है कि भाजपा और कांग्रेस के विचकार कांटे की टक्कर हैगी आ, तां उही टक्कर हुण देखण नूं मिल रही है। अगर गल करिए आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी किसी भी रेस के हाले तक नहीं दिख रही, खाता तक नहीं अपना खोल पाई। तो इस समय मैं रिज मैदान शिमला के जिथे तुम तस्वीर दिखा दें, इस समय जिथे कंट्रोल रूम बनाया गया, प्रोपर हर चीज़ की जानकारी इतने दी जा रही है कि कैंडीडेट कि सीट तो उत्ते अगे हैगा। 68 सीटा के लिए जी हैगी काउंटिंग जी लगातार हो रही है, काउंट सब तो पहला पोस्टल बैल्ट जी हैगी उसकी काउंटिंग हुई, उस तो बाद हुण ईवीएम मशीन जगिया उसकी काउंटिंग जी है शुरू हो चुकी है। तो तस्वीर जीडिया है रिज मैदान तो जिथे कंट्रोल रूम बनाया गया उस दिन तस्वीर है। असं गल कर रहे थे कि कांटे की टक्कर जी हैगी कांग्रेस और बीजेपी के विचकार दिख रही है। हालांकि साडे सूत्रां के हवाले तो यह भी खबर आने लग गई कि कांग्रेस जी है, कांग्रेस के जोड़े लीडर है, जे सीनियर लीडर है, लगातार केंद्रीय लीडरशिप के
विपक्ष के भी लगातार देख रहे हैं कि आखिरकार अगर सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री कौन होंगे। तो हाल फिलहाल अगर गल करिए हाल फिलहाल कांटे की टक्कर लगातार जारी हैगी है, लगातार बीजेपी के कदे कैंडीडेट अगे होंगे हो रहे हैं क्योंकि जी तस्वीर हैगी है करीब करीब 10-11 बजे तक क्लीयर स्पष्ट हो जाएगी कि आखिरकार हिमाचल की सत्ता से कौन कायम रहेगा। लेकिन पहाड़ का हमेशा रिवाज रहा कि हर बार सत्ता परिवर्तन होंगे, पहाड़ा परिवर्तन बहुत पसंद है, तो हम देखना होगा कि इस बार परिवर्तन होंगे कि नहीं होंगे, कि बीजेपी की जी सत्ता हैगी चेंज होकर कांग्रेस को जाती है या नहीं होंगी। 1985 तो अगर लगातार गल कर दी है तो लगातार जो भी इलेक्शन होए ने 5-5 साल बाद, हालांकि 1993 3 साल बाद ही इलेक्शन हो गए थे तो उदो भी सत्ता परिवर्तन होया सीगा, तो हुण हाले तिकर हाले 1985 तो बाद लगातार जी है सत्ता परिवर्तन होंदा रहा। हुण इस बार देखना होएगा कि रिवाज बदलदा या फिर सत्ता बदलती है, तमाम चीजा जी है देखने वाली गल होगी। लेकिन हाल फिलहाल काउंटिंग का सिलसिला लगातार जारी है, 68 उम्मीदवार की जी किस्मत हैगी ईवीएम चो खुलनी शुरू हो चुकी है, रुझान लगातार आने शुरू हो चुके हैं। हाल फिलहाल एक बार फिर तो अपने दर्शकों को तस्वीर दिखा दें, मौसम जोड़ा है वो बेहद ज़्यादा ठंडा है हिमाचल के, लेकिन सियासी सरगर्मियां बहुत ज़्यादा देखने को मिलनी है। ये रिज मैदान है, सूरज भी हल्के हल्के चढ़ना शुरू हो चुकिया, धुप आनी शुरू हो चुकी है, जिमें जिमें सूरज पारा वाद रहा उवें सियासी पारा भी लगातार वाद रहा, उम्मीदवार के दिलों धड़कना तेज़ ने क्योंकि मेहनत की है इन्ने महीने लगातार लोगों के जाके हुण फैसला आने जा रहा। तो जाहिर जे तौर पर गल हैगी कि सत्ता दे विच जिहड़ा हैगा वह कितने ना कितने बेचैनी उत्सुकता जरूर होएगी कि आखिरकार हिमाचल के लोग किनू चुनते हैं, कौन सत्ता दे विच आउंदा है, ये तमाम चीज़ा देखने वाली गल होएगी। 1-2 घंटे दे विच बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन हाल फिलहाल कांग्रेस और बीजेपी विचकार कांटे की टक्कर हैगी, आम आदमी पार्टी दूर दूर तक हाले तक नहीं दिख रही जी। बिल्कुल रविंदर, ये वेखना होगा कि राज बदलता है या फिर रिवाज बदलता है। हुण रुक कर लैने हरप्रीत दा जो दिल्ली तो बीजेपी दफ्तर के बाहर इस समय मौजूद ने। हरप्रीत, बीजेपी दफ्तर के बाहर तो किस तरह दीयां तस्वीरां सामने आ रही ने, क्योंकि इस समय जो रुझान सामने आए ने गुजरात विच भी बीजेपी अगे चल रही है ते उत्थे हिमाचल प्रदेश विच भी बीजेपी अगे चल रही है। यह जहाँ नज़र नहीं आता, लीडर भी हौली हौली पहुँच रहे हैं क्योंकि मीडिया की एंट्री इतने हमेशा तो एक साइड से पिछे लगाया जाता है, जिते मीडिया को रखा जाता है जी मेन एंट्री है उधर मीडिया को खड़े नहीं होता चाहिए क्योंकि सुरक्षा कारण करके, क्योंकि VIP मूवमेंट कभी भी हो जाता है तो इस करके उस साइड खड़े नहीं होता जाता, मीडिया सारा इस साइड से खड़ा किया गया। लेकिन जो रुझान सामने आ रहे हैं जिवें तुसीं भी कहा कि राज नहीं रिवाज बदलांगे हिमाचल दी, उत्थे एक फसवा मुकाबला जरूर नज़र आ रहा है, 33-33 ते दोवीं पार्टियां नज़र आ रही ने, दो आदर्श के खाते च नज़र आ रही ने, जाहिर तौर पर अजे फसवा मुकाबला। लेकिन कांग्रेस लिए एक जरूर चंगी गल है कि कांग्रेस रिवाइवल मोड से उत्थे नज़र आ रही है कि जिहड़ा हमेशा तो रहा है कि उत्थे सत्ता परिवर्तन हर 5 साल बाद हुंदा नज़र आता है, वो जरूर चीज़ नज़र आती है कि शायद कांग्रेस जिहड़ा चंगा परफॉर्म कर रही है। लेकिन अजे रुझान ने नतीजे किन्ने कन्वर्ट हो पाएंगे, क्योंकि कल भी यही चीज़ नज़र आ रही थी कि बीजेपी एक स्टेज पर अगे नज़र आ रही थी लेकिन फिर आम आदमी पार्टी ने स्पीड फड़ी तो आम आदमी पार्टी खिंच के लै गई। गुजरात की गल करिए तो गुजरात भी फिलहाल 128 के करीब जी नज़र आती है बीजेपी, तो 49 सीटा नज़र आ रही है इस वे कांग्रेस, तो 3 सीटा तो आम आदमी पार्टी अगे नज़र आ रही है। रुझान ने फिलहाल क्योंकि जो पोस्टल बैलेट खोलने शुरू हुए हैं, पोस्टल बैलेट पहला गिनती हो रही है, तो लेकिन मनिया जाए कि करीब करीब 11 बजे तक जाद तक 11 बजे के करीब ये जी तस्वीर है बिल्कुल साफ हो जाएगी। जिमें ही यह तस्वीर साफ होएगी उस तो बाद बीजेपी के कार्यकर्ता जाहिर तौर पर मुख्यालय में जुड़ने शुरू हो जाएंगे, उदो असीं जरूर अपने दर्शकों तस्वीर जिहड़ियां ने सांझियां करांगे जदों कार्यकर्ता शुरू होणगे। लेकिन अजे फिलहाल क्योंकि सवेर का समय अजे लीडर जिहड़े ने हौली हौली पहुँच रहे हैं, लेकिन गुजरात जिहड़ा वो काफ़ी अहम है बीजेपी वास्ते क्योंकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्थों आउंदे ने, देश के गृहमंत्री तो साबका प्रधान बीजेपी के अमित शाह उत्थों आउंदे ने, दूसरे पासे JP नड्डा खुद आउंदे ने हिमाचल तो ये दोवें सूबे बीजेपी लिए खासे अहम हो जाते हैं। दूसरी अहम चीज़ बीजेपी का जिहड़ा कोर वोटर है हिमाचल के, बीजेपी ने उन्होंने हर तरीके छूण की कोशिश की, उन्होंने हर तरीके अपने नाल रखने की कोशिश की, हालांकि जद्दोजहद बीजेपी ने जी ज़्यादा करती नज़र आई, ज़्यादा मेहनत करती बीजेपी जरूर गुजरात नज़र आई, लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्थे रैलियां करते नज़र आए, लीडर पार्टी उत्थे नज़र आए, होर पार्टी के जिहड़े आगू ने वो उत्थे नज़र आए ने। लेकिन सत्ता च वापसी उत्थे जरूर बीजेपी लिए नज़र आउंदी है, अजे तक जो रुझान सामने आ रहे हैं उस मुताबिक बीजेपी उत्थे सत्ता च वापसी नज़र करती हुई नज़र आ रही है।
लेकिन किन्नियां सीटां मिलनियां इस दी बिल्कुल किन्नियां सीटां हासिल कर पांदी है किस मार्जिन दे नाल क्योंकि पिछली वार जो 2017 दियां चोणां होईयां सन गुजरात च हरपी तां 77 सीटां कांग्रेस ने जितियां सन लेकिन इस वार कांग्रेस किथे खड़ी है आम आदमी पार्टी किन्ना डेंट लगाएगी क्योंकि दावे तां आम आदमी पार्टी वल्लों बहुत कीते गए ने पूरा जोर लगाया गया गुजरात दियां चोणां दे विच भावें दिल्ली दे मुख्यमंत्री होण पंजाब दे मुख्यमंत्री लगातार उत्थे सरगर्म रहे ने देखो आम आदमी पार्टी ने बहुत मेहनत की थी जाके गुजरात में लेकिन वो मेहनत किन्नी रंग लियाएगी ये आज जिस तरीके ना फिलहाल रुझान सामने आ रहे हैं वो खास मेहनत रंग लियांदी हुई नजर नहीं आ रही लेकिन इस गल नु जरूर मानना पड़ेगा कि आम आदमी पार्टी ने उत्थे बहुत कोशिश की थी भगवंत मान लगातार उत्थे रोड शो करते रहे अरविंद केजरीवाल बाकी आम आदमी पार्टी की लीडरशिप जी उत्थे लगी रही तो किन्ना इन्हों वोट बैंक कन्वर्ट हो पाएगा ये समा दसेगा लेकिन आम आदमी पार्टी की जरूर यह कोशिश होएगी कि एक बार असी उत्थे स्टैंड करिए असी उत्थे एक बार खड़े होइए उस गुजरात जिहड़ा कि बीजेपी का गढ़ कहा जाता है दूसरे पास बीजेपी की कोशिश होगी कि इस बार का मार्जन पिछली बार नालों ज्यादा होए पिछली बार कांग्रेस का प्रदर्शन चंगा सी इस बार प्रदर्शन घट रहा है कांग्रेस की सीनियर लीडरशिप इन्नी ज्यादा गुजरात में नजर नहीं आए मल्लिकार्जुन खड़गे गए भी तो उन्होंने एक रावण वाला बयान दे दिता तो उससे होर ज्यादा कांग्रेस को डेंट होया कांग्रेस को फायदा नहीं होया तो इस करके कांग्रेस जी अपनी जद्दोजहद करती नजर आ रही है कांग्रेस को जो कुछ गुजरात चो मिलता है मनिया जाए कि उसका जो लोकल लीडर है जो ग्रासरूट वर्कर है वो उसकी मेहनत का उन्होंने फल मिल रहा है दूसरे पास हिमाचल च भी पंजाब की लीडरशिप चाहे क्योंकि प्रताप सिंह बाजवा ऑब्जर्वर सन उत्थे हिमाचल दे विच उन्हां वल्लों लगातार उत्थे रैलियां कीतियां गईयां दिल्ली दी लीडरशिप भी जांदी रही उत्थे भी जिहड़ी कांग्रेस दी लीडरशिप ने मेहनत कीती है लेकिन उह किन्ना रंग लिया पाएगी किन्ना इन्हां नूं फायदा हो पाएगा इह थोड़ी देर तक साफ हो जाएगा लेकिन कांग्रेस वास्ते एक चीज थोड़ी जी सुकून वाली जरूर होएगी कि कांग्रेस हिमाचल दे विच एक चंगी टक्कर देंदी हुई नजर आ रही है जी हरप्रीत तुसीं बने रहो साडे नाल ते रविंदर तुसीं भी बने रहो साडे नाल ते शुरुआती रुझान जो है आने सामने शुरू हो गए ने ते शिमला दी ए तस्वीर तुसी वेख सकदे हो काउंटिंग सेंटर दियां तस्वीरां सी तुहानू लगातार विखा रहे हैं क्योंकि सवेरे 8 बजे तो काउंटिंग शुरू हो चुकी है ते इस समय कांग्रेस दूजे नंबर ते चल रही है ते भाजपा पहले नंबर ते चल रही है दोहे सूबियां दे विच